योग नम लहजे के साथ यामिनी से कहता है, मुझे मार दो यामिनी, मैं तुम्हारे साथ जी तो नहीं सकता हूँ पर तुम्हारे हाथों मर तो सकता हूँ ना। ये हक मत छीनो अब मुझसे, ये मेरी सबसे प्यारी मौत होगी, मेरी पसंदीदा मौत। यामिनी रोते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं आपको नहीं मार सकती। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, युग तू। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, यामिनी और मेरे बीच में अब कोई कुछ नहीं कहेगा। यह हमारी कहानी है जो हमसे शुरू हुई है और खत्म भी से हम दोनों ही मिलकर करेंगे। युग का गुस्सा देखकर अभिमन्यु चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। उसे भी कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि युग जो कर रहा था सही कर रहा था, इसी में सबकी जान बच सकती थी। अभिमन्यु का भी चित्रा पर से विश्वास उठ चुका था। उसे भी लगने लग गया था कि चित्रा को अगर कुछ करना ही था तो वो अब तक कर चुकी होती, मासूम लोगों की इस तरह मौतें नहीं हो रही होती। युग नम आंखों के साथ यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, यामिनी तुम मुझे मारोगी ना। यामिनी रोते हुए ही ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं नहीं मारूंगी आपको। युग बड़े प्यार से यामिनी का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यामिनी मुझे एक बात बताओ, सच कहना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। यामिनी खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती है। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए बड़े ही नम लहजे के साथ कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ यामिनी, बताओ तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं करती हो। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए रोते हुए कहती है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपको युग बाबू। युग कहता है, नहीं यामिनी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। यामिनी तुरंत पलट कर कहती है, नहीं युग बाबू, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। महादेव की सौगंध, इस दुनिया में अगर मैंने किसी से सच्ची मोहब्बत की है तो वो आप है। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो यामिनी तो साबित करो। प्यार में तो लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्या तुम अपने प्रेमी की इच्छा के लिए उसे नहीं मार सकती। आज तुम्हारे प्यार की परीक्षा है यामिनी, तुम्हें मुझे मारकर अपने प्यार को साबित करना है। यामिनी मार दो मुझे, तुम्हें महादेव की सौगंध। जैसे ही युग ये बात बोलता है, यामिनी झट से युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। यामिनी रोते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं युग बाबू, क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। युग नम लहजे के साथ कहता है, सजा तो तुम मुझे दे रही हो यामिनी, मेरी बात ना मानकर, यही एक आखिरी रास्ता बचा है यामिनी। ये लोगों की दर्द भरी चीखें जो हमें सुनाई दे रही हैं, तुम उन्हें रोक सकती हो। कहते हैं कहानियां दोहराई जाती हैं, और आज कहानी फिर दोहराई जा रही है। सदियों पहले तुम्हारी माँ कामेश्वरी यक्षिणी ने दुनिया को भक्षानर से बचाने के लिए अपनी आबरू दाव पर लगाई थी, उसके बाद उसे मार दिया था, और आज तुम्हें भी अपनी माँ की तरह दुनिया को बचाना है उस काले साए के हाथों से, मुझे मारकर। यामिनी खामोश रहती है, उसके समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। युग फिर यामिनी से कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है यामिनी, जल्दी चलो वरना वो काला साया पूरे गांव को तबाह कर देगा, कोई नहीं बचेगा। युग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा हाथ पकड़ो यामिनी और चलो मेरे साथ, इस कहानी को हम वहीं पर खत्म करेंगे जहां से शुरू हुई थी, किश्नोई नदी के पास। यामिनी युग का हाथ देखकर रोते रहती है, उसके आंसू युग की हथेली पर गिरने लग गए थे। यामिनी युग का हाथ देखते हुए ही नम लहजे के साथ कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं युग बाबू, क्यों हमारी प्रेम कहानी को अधूरी बनाना चाहते हैं ऐसा करके। युग पलट कर कहता है, यामिनी मैं कहां हमारी प्रेम कहानी को अधूरी कर रहा हूं, मैं तो बल्कि उसे पूरा कर रहा हूं तुम्हारे हाथों मरकर। प्यार का मतलब साथ में जीना ही नहीं होता है यामिनी, मरना भी होता है। प्यार वो होता है जिसे किया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। इंसान के अंदर का प्यार उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मैं मरने के बाद भी हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहूंगा, तुम्हारे पास तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर धड़कता रहूंगा हमेशा यामिनी। यामिनी की आंखों से और ज्यादा आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। युग फिर बोल पड़ता है, देर मत करो यामिनी, चलो मेरे साथ, अपने युग बाबू के साथ। हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा यामिनी, अगर मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा तो। मुझे मार दो यामिनी, चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरी कसम, हमारे प्यार की कसम। युग के ये बात कहते ही खामोशी छा जाती है। लोगों के चीखने की आवाजें जो सुनाई दे रही थी वो भी सुनाई देना एक पल के लिए बंद हो जाती है। सबकी नजर यामिनी पर टिकी हुई थी, हर कोई जानना चाहता था कि यामिनी क्या फैसला लेती है। वो युग को मारकर सबको बचाती है या अपने प्यार के साथ जीने के लिए यूं ही सबको मरने देती है।
सबके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। यामिनी युग की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में देखते ही यामिनी को न जाने क्या हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी अपना हाथ युग के हाथ में रख देती है। युग कस कर यामिनी का हाथ थाम लेता है। युग और यामिनी दोनों एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभिमन्यु उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तुम दोनों कहां जा रहे हो, रुको। डायना उसी वक्त अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, उन्हें मत रोको अभी, ये फैसला उन दोनों का है, शायद यही नियति को मंजूर है। कुछ फैसले ऊपर से लिखे हुए आते हैं, यही शायद उन दोनों की किस्मत में भी लिखा था। युग और यामिनी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन दोनों को रोकने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे सब ये बात अच्छे से जानते थे कि वो दोनों फैसला ले चुके थे, अब वो किसी के रोकने पर नहीं रोकने वाले थे। सब बस मूर्ति बनकर खड़े हुए थे। देखते ही देखते युग और यामिनी वहां से चले जाते हैं। इस तरफ कालाझाड़ी जंगल में चित्रा भटक रही थी। वो बड़ी जल्दी में थी और फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। उसके कानों में भी लोगों के तड़पने की दर्द भरी आवाजें गूंज रही थी। वो भी उन आवाजों को एकदम साफ सुन पा रही थी। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, लगता है उन मुर्दों की सेना ने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। ये उन्हीं की आवाजें हैं। कहीं वो मुर्दों की सेना मेरे बेटे युग को तो मार, नहीं नहीं, मेरे बेटे युग को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे युग को। उसके साथ वंदना और वो भी है, वो कभी मेरे बेटे युग को कुछ नहीं होने देंगे। चित्रा खुद को सब कुछ ठीक होने का हौसला देते जा रही थी और अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। चित्रा फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आज अमावस्या की रात है और मुझे उसे खत्म करना है। मैंने वादा किया था वंदना से। जिस रात चित्रा अनुराग को उस अदृश्य कमरे में बंद करके ग्रेवयार्ड कोठी से भागी थी, वो उस रात के बारे में याद करते हुए खुद से कहती है, उस रात ग्रेवयार्ड कोठी से भागना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास मेरा हथियार नहीं था। उसके बिना मैं अनुराग का कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब मेरे पास मेरा हथियार है। आखिरकार मेरे हाथ मेरा हथियार लग ही गया। कहते हैं ना, जो चीज आपकी होती है वो किसी न किसी तरह आपको मिल ही जाती है, और मेरी चीज भी मुझे मिल ही गई। चित्रा युग के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, बस मैं एक बार अपने बेटे को सही सलामत देख लूं। आखिर ये सब मैं उसके लिए तो कर रही हूँ, अपने बेटे युग की सलामती के लिए। पर पता नहीं वो कहाँ पर है, कितने दिनों से तलाश कर रही हूँ उसे इस काला झाड़ी जंगल में, उन मुर्दों की सेना से बचते हुए, पर मेरा युग अभी तक मुझे दिखा ही नहीं। उसे होना तो यहीं कहीं चाहिए, एक काला झाड़ी जंगल ही है जहां पर इस वक्त छुपा जा सकता है। पता नहीं युग और उसके दोस्त कहां छुपे हुए हैं। वंदना और उसके बारे में भी मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा फुर्ती के साथ काला झाड़ी जंगल के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। इस तरफ झरने के पास बाकी सब लोग मौजूद थे। चैटर्जी ने जो किया था उसकी उन हरकतों के कारण हर कोई उस पर गुस्सा था, उससे नाराज था, पर उससे कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब जानते थे कि अब उससे कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं था। जो होना था वो बहुत पहले ही हो चुका था। युग और यामिनी वहां से जा चुके थे। सभी लोग आसपास ही बैठे हुए थे और चैटर्जी भी वहीं पर बैठा हुआ था। चैटर्जी के पास कोई बैठना तो नहीं चाहता था, पर वो एकदम बीच में बैठा हुआ था, जिस कारण बाकी सबको ना चाहते हुए भी उसी के पास बैठना पड़ रहा था। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। युग को खोने का गम सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, बस चैटर्जी को छोड़कर। हर कोई खामोशी के साथ बैठा हुआ था, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। हर कोई जानता था कि जब बोलने का वक्त था तब उन्होंने युग से कुछ नहीं कहा था, तो अब वो एक दूसरे से भी बात करके क्या करेंगे। जख्मों के बारे में बात करके वो जख्म भरते नहीं है बल्कि और गहरे हो जाते हैं। चैटर्जी खुद ही बोल पड़ता है, ये यामिनी अभी तक आई क्यों नहीं, अभी तक तो उसे युग को मारकर आ जाना चाहिए था। जैसे ही चैटर्जी ये बात बोलता है, अभिमन्यु, कायर और कछुआ तीनों गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं, पर चैटर्जी से कुछ कहते नहीं है। चैटर्जी फिर खुद से बोल पड़ता है, यामिनी को बस युग के दिल की बलि तो चढ़ानी थी अपने अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए। उसके साथ रासलीला थोड़ी रचानी थी जो उसे इतना वक्त लग रहा है। कब यामिनी अपने अभिशाप से मुक्ति पाकर वापस आएगी और कब वो तारा के साथ मिलकर उस काले साए का अंत करेगी। चैटर्जी खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, जल्दी करो यामिनी, जल्दी करो, मारो युग को। चैटर्जी की बातों ने अभिमन्यु के सब्र का बांध तोड़ दिया था। चैटर्जी ने सारी सीमाएं लांग दी थी। अभिमन्यु के दिल में चैटर्जी के लिए जितनी भी रिस्पेक्ट थी वो सारी रिस्पेक्ट गवा चुका था। अभिमन्यु गुस्से के साथ चैटर्जी से बोल पड़ता है, चैटर्जी तेरे अंदर जरा सी भी शर्म है या नहीं, या अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे भी बेच खाया है। चैटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए बोल पड़ता है,
अभिमन्यु जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तू ये बात जानता था ना कि युग को अगर ये बात पता चली कि उसकी मौत से यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है तो वो तैयार हो जाएगा मरने के लिए? तो फिर क्यों तूने उसके सामने ऐसी बात बोली? चटर्जी अपना पक्ष सबके सामने रखते हुए कायर से पलट कर कहता है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था कायर, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो काला साया पूरे गांव वालों को मार देता। गांव वालों को तो मारता ही, साथ में एक ना एक दिन हमें भी मार देता। कछुआ बोल पड़ता है, अगर मार देता तो मार देता, हम युग के दोस्त हैं और दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। हम तो युग के साथ मरने के लिए भी तैयार थे, पर एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए हम कभी तैयार नहीं थे। पर तेरी वजह से आज हमें युग का साथ छोड़ना पड़ा, वो हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। चटर्जी खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। कायर फिर कहता है, तुम्हें क्या पता चटर्जी की दोस्ती क्या होती है? तुम्हें ये बात कैसे पता होगी? तुमने कभी किसी को अपना दोस्त बनाया ही कहाँ है? अगर बनाया होता तो पता होता कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। दोस्ती वो होती है जहाँ पर जान ली नहीं जाती है बल्कि दोस्त के लिए जान दी जाती है। वर्चस्विनी भी बोल पड़ती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था चटर्जी, नहीं करना चाहिए था। चटर्जी कहता है, वर्चस्विनी मैम, अब आप भी मुझे ही, कम से कम आप तो मुझे समझिए, ये सब मैंने हम सबको बचाने के लिए किया है। कायर कहता है, चटर्जी अगर दोस्त की जान दांव पर लगाकर ही जिंदा रहना है तो हम मरना पसंद करेंगे, ना कि जिंदा रहना। हर कोई चटर्जी को ही कसूरवार ठहरा रहा था, उससे कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था, और चटर्जी भी बड़ी हिम्मत के साथ उनकी बातों का पलट कर जवाब दिए जा रहा था, वो भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। सबका ध्यान चटर्जी की तरफ था, बस बिंदु को छोड़कर। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बिंदु मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, यही सही मौका है, मुझे अभी जाकर उस अपराजिता के पेड़ में आग लगा देनी चाहिए और अपना बचा हुआ काम पूरा करना चाहिए। इतना कहकर बिंदु दबे पांव बिना किसी की नजर में आए वहां से जाने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।